बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी उड़ान और नजर के कारण जाना जाता है। बाज अपनी पंख बिना हिलाए आसमान में काफी देर तक उड़ भी सकता है। ये आकाश में बहुत ही ऊंचा उड़ता है, दूसरे पक्षियों से कई गुना ज्यादा ऊंचा। इसकी नजर काफी तेज होती है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी पर भी देख पाता है। बाज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या आपको ये पता है कि बाज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आप सोच रहे होंगे कि बाज की केवल 5 या 10 प्रजातियां ही पाई जाती होंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको बाज के प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बैटलोर ईगल, ये एक मीडियम साइज्ड खूबसूरत सा दिखने वाला बाज है। बाज की ये प्रजाति एक्सिपिट्री डाय से संबंध रखती है। ये बाज ज्यादातर साउथर्न अफ्रीका, मोजाम्बिक और ईस्टर्न नाम्बिया के क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। इस बाज के विंग स्पैन का रेंज 22 से 28 इंच तक का होता है और वही ये 2 से 2.5 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। बैटलोर ईगल एक दिन में करीब 8 से 9 घंटे तक हवा में रहकर अपने शिकार की तलाश करते हैं। बाल्ड ईगल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल है। बाल्ड ईगल को सन 1780 में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये बाज की ही एक उप प्रजाति है। इसके सर पर बहुत कम पंख होते हैं, इसलिए इसका नाम बाल्ड ईगल यानी कि गंजा बाज रखा गया है। सभी प्रकार के बाज पक्षियों में बाल्ड ईगल बड़े आकार का पक्षी होता है। बाल्ड ईगल केवल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। ये उप आर्कटिक क्षेत्र से लेकर उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तटों तक पाए जाते हैं। बाल्ड ईगल का घोंसला काफी बड़ा होता है। इसके घोंसले का व्यास 5 से 6 फीट होता है। इस घोंसले की गहराई 2 से 4 फीट होती है। स्टेलर सी ईगल, बाज के परिवार का एक काफी बड़ा पक्षी है जो एक्सिपिट्री डाय में शिकार करता है। ये मूल रूप से 1811 में पीटर साइमन पल्लास द्वारा वर्णित किया गया था। इनकी कोई भी उप प्रजाति मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक काफी मजबूत ईगल है जिसमें सफेद पंखों और पूंछ और पीले रंग की चोंच के साथ एक पूंछ भी होती है। इनके पंखों का फैलाव 2 से 2.5 मीटर तक का होता है और ये 6 से 9 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। रूफस बेलिड हॉक, ये बाज ज्यादातर साउथर्न ईस्टर्न एशिया के जगहों पर देखने को मिलते हैं। ये बाज नीचे की तरफ से सफेद और ऊपरी तरफ से काले रंग के होते हैं। इनकी प्रजातियों में ये जानना कि नर और मादा कौन सा है काफी मुश्किल है, लेकिन इनकी प्रजातियों में मादा का आकार ज्यादा बड़ा होता है। बाज की ये प्रजाति काफी छोटी होती है। इनका लेंथ 16 से 24 इंच तक का होता है और ये अपना घोंसला बड़े पेड़ों पर ही बनाता है। वॉलसेस हॉक ईगल, वेलेस का बाज पक्षी परिवार एक्सिपिट्री डाय में शिकार करने वाले पक्षियों की एक प्रजाति है। ये मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और बोर्निया में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक आवास नम तराई जंगल है। इसका प्राकृतिक आवास तराई के जंगल है और इसका प्राकृतिक आवास अभी खतरे में है। ये बाज 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं और वही इनका वजन 500 से 610 ग्राम होता है। अफ्रीकन फिश ईगल, अफ्रीकी मछली ईगल उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी है। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में महाद्वीपीय अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्रों पर ये पाए जाते हैं। शिकार के इन बड़े पक्षियों को पर्याप्त शिकार और एक अच्छे पर्च के साथ केवल खुले पानी की आवश्यकता होती है। वे घास के मैदान, दलदल और यहाँ तक कि नामीबिया के रेगिस्तान वाले क्षेत्रों पर भी निवास कर सकते हैं। अफ्रीकन फिश ईगल का लेंथ 60 से 80 सेंटीमीटर तक का होता है
और ये 2 से 3.5 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। हॉक ईगल, ये बाज ज्यादातर हिमालयन फुट हिल्स और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न के जगहों पर पाए जाते हैं। हॉक ईगल दुनिया के सबसे बड़े ईगल की प्रजाति है, जिनके काफी बड़े पंख, पैर और चोंच होती है। ये बाज 24 इंच बड़े हो सकते हैं। ये अपने शिकार में रेप्टाइल्स और मैमल्स के साथ दूसरे पक्षियों को भी शामिल करते हैं। गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल उत्तरी गोलार्ध में सबसे प्रमुख पसंद किया जाने वाला शिकारी पक्षी है। बाज की प्रजाति में ये काफी विस्तृत इलाके में पाया जाता है। गोल्डन ईगल एक्सिपिट्री डाई वर्ग का सदस्य है। गोल्डन ईगल एक दक्ष शिकारी होता है। ये अपने तेज गति और मजबूत पंजों का इस्तेमाल करके कई तरह के जानवरों का शिकार करता है। इसके आक्रामक और शक्तिशाली व्यवहार की वजह से विश्व की कई संस्कृतियों में इसे सम्मान के साथ देखा जाता है। इसके पंखों का फैलाव 5 से 7 फीट के बीच होता है और इसका वजन 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक का हो सकता है। इस शिकारी पक्षी के 2.5 इंच चौड़े, मजबूत और शक्तिशाली पंजे होते हैं। वेज टेल्ड ईगल, ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट शिकारी पक्षी है और इसके साथ ही साउथर्न न्यूजीनिया के क्षेत्रों पर भी पाए जाते हैं। इनके काफी बड़े पंख, पैर और एक वेज शेप्ड टेल होती है। वेज टेल्ड ईगल के 12 प्रजातियां पाई जाती है। इनका विंग स्पैन 9 फीट 4 इंच बड़ा हो सकता है और यदि हम बात करें इनके लेंथ की तो ये 3 फीट 6 इंच की लेंथ रखते हैं। अब हम आपको बता दे कि बाज की केवल 5 या 10 प्रजातियां नहीं होती, बल्कि इनके 70 प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है, जिनके नामों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको बाज की प्रजातियों के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।